नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ में, आप जानते ही, आप तो जान ही गए होंगे मेरे कौन कौन से दोस्त हैं। मैं कई बार उनका नाम अपने वीडियो में ले चुका हूं और अब हम बढ़ रहे हैं एक और तालाब। मैंने आपसे कहा था कि झालावाड़ तालाबों के लिए भी प्रसिद्ध है। गजब 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 गजब, क्या बात है, गजब का पानी यहाँ पर आ चुका है। अभी 23 तारीख, जी हाँ 23 तारीख को ये तालाब बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल सूखा, कुछ भी पानी नहीं था यहाँ पर। और आज मतलब 23 जुलाई मैं आपको बता रहा हूँ और आज 6 तारीख है और 6 तारीख को आप देख सकते हैं तालाब कितना ज्यादा भर चुका है। जबरदस्त पानी की आवक हो चुकी है यहाँ पर, इनक्रेडिबल। ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है झालरापाटन और उसके आगे आप यहाँ से भोपाल और इंदौर भी जा सकते हैं। ये पाटन रोड और इस तरफ झालावाड़ शहर की तरफ आप जा सकते हैं और राइट हैंड साइड में कानपुर। मैं चाहूंगा श्रृंगी जी से, प्लीज बिल्कुल पानी की तरफ नहीं जाना है हमें, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। गजब का पानी है, गजब का पानी आ चुका है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी इतनी जल्दी भर चुका होगा यहाँ पर। लगे हाथ मैं एक और चीज बता देता हूँ, लगभग 6 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते हुए और बारिश अभी भी जारी है। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है इसके आसपास 12 क्षेत्र में और एमपी में भी गुना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, इवन इस साइड अजमेर, सवाई माधोपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं बिल्कुल पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। अब देखना ये है कि 2019 या फिर 2013 का रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। फिलहाल स्टैटिस्टिक्स तो अभी मुझे पता नहीं है क्या है रिसेंट, लेकिन फिर भी हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन जो ये देख रहा हूं मैं इस वक्त, ये वाकई में अद्भुत है क्योंकि इतना पानी इतनी जल्दी आना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाकई में। इसके पीछे जिस तालाब की बात, मैंने गावड़ी तालाब की बात की थी वो गावड़ी तालाब से जब पानी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो जाता है तो इसमें आ जाता है, मतलब ये है खंडिया तालाब में आ जाता है। और यहाँ पर जो चादर चलती है ना, उस चादर का मजा अलग ही, लोग इसीलिए यहाँ पर आए। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि शायद कल तक चादर चल जाएगी अगर ऐसा ही कुछ रहा तो। 92 आप देख सकते हैं 92 में ये स्टैब्लिश हुआ था, नहीं 64 और 92, अब पता नहीं क्या यहाँ पर ये दिया है, डेट तो मुझे नहीं लग रही है ये, लेकिन फिर भी पुराना पत्थर है ये, तो काफी पुराना राजा महाराजाओं के टाइम का ये तालाब मुझे लगता है होगा, खंडिया तालाब इसका नाम है। तो एक बार और आप इसको देख लें। और अभी हम इसके बाद जा रहे हैं झालावाड़ की सबसे एक्सक्लूसिव जगह काली सिंध नदी, वहां हम जाएंगे थोड़ी देर में, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। स्टे विद मी, अभी वापस मिलता हूं आपसे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मुसाफिर अमित। पहले तो आप ये नजारा देख लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। इससे पहले वाले जो वीडियो में जो नीचे से हमने देखा था, अब उससे बहुत ज्यादा ऊपर काली सिंध नदी बह रही है। जी हाँ, और इसका बहाव देखिए आप, बहुत तेज ये बह रहा है। इसका मतलब इसके पीछे जो काली सिंध डैम है उसके गेट खोले जा चुके होंगे और लोगों की गाड़ियां इस हाई लेवल ब्रिज
के ऊपर खड़ी हुई हैं। ये इसका राइट हैंड साइड का जो व्यू है, अभी मैं आपको वहां भी लेकर चलूंगा। और इस ओर भी देखें लोग, बारिश अभी भी हो रही है लेकिन लोगों का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और इस नजारे को देखना आप समझ सकते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है। बिल्कुल आप देख रहे हैं झालावाड़ जिले की काले से नदी, तो मैं आपको राइट हैंड साइड का हिस्सा भी दिखा देता हूं। और 2019 में जो बाढ़ जैसा, देखो वो हो काफी ऊपर आ चुका है पानी बहुत। इसी तरह अगर बारिश होती रही लगातार तो यहां आपको देखें नदी का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा, है ना। पिलर से टकराने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है वहां पर कुछ अलग नजर आती है काली सिंध नदी, यहां पर अलग नजर आएगी क्योंकि टकराने से पहले का ये हिस्सा है। तो वहां पर पिलर से टकराने के बाद जो आवाज उत्पन्न होती है उससे शोर होता है। और इस तरफ आप देखें धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। और जो 2019 में जो मंजर था उसके वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देखें जरूर। नीचे यहां पर पुल है, छोटा पुल, लेकिन वो अब आपको नजर नहीं आएगा। उस ओर पुलिस की गाड़ी भी है, आने नहीं दे रही, अच्छी बात है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कितना ज्यादा इसका फैलाव था। और ये अब मुझे लगता है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है ये काली सिंध नदी। तो तालाब वगैरह तो हमने देख लिया, और उसके बाद में जो हम आए हैं वो काले सिंध नदी को देखने आए हैं। इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, मैं तो कहूंगा कि देखिए मेरे दोस्त खड़े हैं यहां पर, एक छाते में दो लोग। एक बार फिर से ये वाला देख लीजिए आप नजारा। मुझे लग रहा है धीरे धीरे नदी का जो जल स्तर है वो काफी ऊपर हो रहा है। बिल्कुल मुझे तो यहां पर संगीत सुनाई दे रहा है, आपको क्या सुनाई दे रहा है ये आप कमेंट करके बताइए। मुझे तो शोर नहीं, ये संगीत की तरह लग रहा है क्योंकि मेरी ऑल टाइम फेवरेट नदी बन चुकी है अब तो। ये इसी काले सिंध नदी के जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे वो काफी ज्यादा व्यूज उनके बढ़ चुके हैं और काफी बढ़िया तरीके से वो नजारे चल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है, ये बिल्कुल आज का, इसका मतलब 6 अगस्त 2021 का ये वीडियो है। कैसा लगा है आपको बताइएगा जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, शेयर करें। मुसाफिर अमित आप सर्च कर सकते हैं YouTube चैनल पे, और मुझे आप देख पाएंगे, मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो ये फिलहाल अभी का अपडेट है, लेट्स सी, मौका मिला अगर जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम फिर से एक वीडियो आपके लिए पेश कर दूंगा मैं। ऑल राइट, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे समय अब जाने का वक्त हो गया है किसी और जगह के लिए, बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप लाफिंग। जय हिंद, जय भारत।